दूसरों का मजाक उड़ाना गलत है, चलो माफी मांगो उससे। हेलो, चार आंखों वाली आ गई। चार आंखों वाली, चार आंखों वाली, चार आंखों वाली, चार आंखों वाली, चार आंखों वाली। अच्छा चलिए ये बताओ ये कितने हैं? मेरे बताओ कितने हैं? वो मैं देख ही नहीं पा रही। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग टीचर। मैंने सुना है कि तुम लोग शफा को चार आंखों वाला कह रहे थे। सर मैं ये बोल रही थी। नहीं सर इसने बोला था। नहीं इसने बोला। नहीं इसने। बस करो। शफा कौन तुम्हें ऐसा कह रहा था? कोई बात नहीं सर मुझे आदत है। अरे नहीं कोई बात नहीं मुझे बताओ तुम। सब बोल रहे थे लेकिन कोई बात नहीं। नहीं नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। तुमने शफा को बुरा फील करवाया। जो तुम कर रहे हो ना उसे बुलिंग कहते हैं, ठीक है ना? और बुलिंग करना हराम होता है। हमें माफ कर दो टीचर। तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। दीवार से चिपक के खड़े हो जाओ। ओके सर। देखा शफा, इस तरह इनको सजा दी जाती है। ये सब इसी चीज के लायक हैं। इनकी सुनना नहीं है, समझ गई ना मेरी बात तुम अच्छे से? बहुत अच्छे शफा, तुम अपनी क्लास में सबसे पहली हो और इन सबको सजा मिल रही है। इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। थैंक यू सर। एग्जाम के लिए पढ़ाई की है ना? हाँ। सही है फिर, गुड लक। शफा एग्जाम अब शुरू होगा और एग्जाम में बस तुम ही बैठ रही हो, ठीक है ना? ओके। तुम सबको तो देर नहीं दूंगा एग्जाम, तुम सब फेल हो जाओगे। हमें माफ कर दो सर। हाँ तो आप बताओ कैसा लग रहा है तुम सबको? एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा तुम्हें, तुम फेल हो जाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बुली कर रहे थे। हमें माफ कर दो सर, हम एग्जाम देना चाहते हैं प्लीज। तो क्या अब तुम किसी को चार आंखों वाला कहोगी गजल? तो पर शफा को बुली क्यों किया तुमने? माफ कर दो, अब नहीं होगा। रीम क्या तुम्हें कोई चार आंखों वाला कहे तो? अब नहीं कहूंगी सर। हमें माफ कर दो टीचर। बस एक ही शर्त पर, शफा से जाके माफी मांगो। ओके चलो चलो मांगो। शफा मैं तुम्हें चार आंखों वाली नहीं बोलूंगी। तुम्हारी क्लास बहुत सुंदर है और तुम भी बहुत सुंदर हो। थैंक यू, माफ किया। ये 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 यस, मुझे माफ कर दो शफा, मैं तुम्हें दोबारा चार आंखों वाली नहीं बोलूंगी। तुम्हारी क्लास बहुत क्यूट है। ओके माफ किया। ये थैंक यू। कोई बात नहीं। ये मैं माफी मांगती हूँ शफा, मुझे माफ कर दो। माफ किया। ये देखो आज तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब मैं ये दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर तुम में से किसी ने भी किसी को भी क्लास में दोबारा बुली किया तो। ये आखिरी बार था सर। अगली बार से उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा, समझे ना सब? समझ गए। चलो मैं एग्जाम के पर्चे बांट देता हूँ। अरे तो पेन क्यों नहीं लेके आए तुम? स्कूल ही क्यों आए तुम? सिर्फ बुली कर रहे हैं? थैंक यू टीचर। थैंक यू टीचर। थका दिया आज तो यार इन्होंने। ये मुश्किल है, मुझे लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगी। ये मुश्किल है, मुझे और सोचना होगा। मुझे कुछ भी अच्छे से नहीं आता, मुझे लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगी। गजल पेपर पे ध्यान लगाओ, बस 8 ही मिनट रह गए, जल्दी जल्दी पेपर खत्म करो अपना। बस बस खत्म हो गया, पेपर लेने आ रहा हूँ वापस। गजल मुझे अपना पेपर दो तुम। टाइम खत्म हो गया है, अपना पेपर दो मुझे शफा। ओके। सुसु अपना पेपर दो मुझे। मेरा कुछ भी सही नहीं हुआ टीचर। तुम बस बुली करने में ही ठीक हो। अब मैं एग्जाम शीट चेक करूंगा, ठीक है ना? अरे गजल सारे गलत हैं। गजल 20 में से 0 आए तुम्हारे। रीम का पेपर गलत, सही, गलत,
गलत गलत गलत, 5 में से 20 आए तुम्हारे रीम। सुसु का पेपर, इसने तो कुछ भी आंसर नहीं दिया। 20 में से 0 दे देता हूं। शफा का पेपर, क्या बात है, सब सही सही सही, बहुत बढ़िया शफा, तुम्हारे तो 20 में से 20 नंबर आए हैं। शफा 20 में से 20 आए तुम्हारे, तालियां बजाओ। गजल 20 में से 0 आए तुम्हारे, बस बुली करना आता है क्या तुम्हें। सुसु तुम्हारे भी 20 में से 0 आए। रीम तुम्हारे 5 ही नंबर आए बस। 20 में से 0। तो अपने क्लास में सबसे ज्यादा टॉप किया है शफा ने, एक बार तालियां बजाओ। कांग्रेचुलेशंस शफा। थैंक यू लड़कियों। सिर्फ शफा को ही हमारी क्लास में प्राइज मिलेगा। और हमें क्या मिलेगा? तुम सब तो फेल हो गए, तुम्हें काय का प्राइज मिलेगा? ये लो तुम्हारा ग्रेजुएशन का रोब और ये तुम्हारा प्राइज। थैंक यू। ये लो, बहुत अच्छा शफा, ये लो अब तुम्हारा प्राइज ले लो। थैंक यू। बहुत अच्छे बेटा, चलो अब ग्रेजुएट के साथ एक फोटो ले लेते हैं शफा। कौन कामयाब है? शफा। क्लास का टॉपर कौन है? शफा। सबसे होशियार कौन है? शफा। बहुत अच्छे, भगवान तुम्हारा भला करे शफा, तुम्हारी हैंड राइटिंग और पेशेंस बहुत अच्छा है, इसीलिए तुम क्लास की टॉपर बनी हो। हे, मैं ग्रेजुएटेड हो गई और मैंने क्लास में टॉप किया।